प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित दयानाथ पांडे मध्य प्रदेश उपाध्य से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस श्रद्धा प्यार के साथ मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, मेरे कार्यक्रम को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। शनि ग्रह कुंडली के किन किन भावों एवं राशियों में आपको विद्वान और प्रशासनिक अधिकारी बन चुका है, जिसके कुंडली में दूसरे भाव में शनि तुला राशि का हो, ऐसे लोग पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, विद्वान होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। इसके कुंडली में चौथे भाव में ऋषभ राशि हो, उसमें शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग धन जन से संपन्न होते हैं, हीरो से हीरो बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, राजनेता बनते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में ऋषभ राशि हो, उसमें अगर शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग IAS IPS बनते हैं, ऐसे लोग सम्मानजनक शिक्षा पाते हैं, समाज में पूजे जाते हैं। इसके कुंडली में सातवें भाव में तुला राशि हो और उसमें शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन सुखदायी होता है, बहुत कम उम्र से अधिक उच्च अधिकारी बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं और विद्वान बनते हैं। सांसारिक सुख, संतान सुख, पारिवारिक सुख इनको पूर्ण प्राप्त। इसके कुंडली में दसवें भाव में मकर राशि हो, उसमें शनि अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग बचपन से महान भाग्यशाली होते हैं, इनको किसी बात की कमी नहीं रहती है, कभी कर्जदार नहीं होते हैं, कभी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती है, ऐसे लोग IAS IPS बनते हैं और विद्वान। जिसके ग्रहमय भाव में कुंभ राशि हो, उसमें शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग उदार होते हैं, दयालु होते हैं, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी सफलता पाते हैं, इनका जीवन सफल होता है। दोस्तों, ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया, पूछ लें। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो मेरे फ़ोन पर संपर्क कर लीजिए, मेरे नियम का पालन करेंगे, मैं विवेचन कर लूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425301111 है। इतना कहते प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।